हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वनिता की दुनिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर टिक्का तंदूर स्टाइल, जो वेजिटेरियन होते हैं उनको बहुत पसंद आता है। और ये तंदूर स्टाइल बना हुआ है और देखिए कैसे बनाती हूँ मैं। पहले तो हम थोड़ा सा थिक कर्ड ले रहे हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है मैंने और लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है, थोड़ा कलर वाला लाल मिर्ची डाला है। उसके बाद धनिया का पाउडर और हल्दी का पाउडर भी डाल दिया है मैंने, और थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर। उसके बाद देखिए मैंने अभी कस्तूरी मेथी को क्रश करके डाल दिया है। उसके बाद एक नींबू को अच्छे से डाल देना है। उसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल देना है। देखिए मैंने थोड़ा सा अजवाइन का भी इस्तेमाल किया है मैंने इसमें, देखिए उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। देखिए सारी चीज़ों को मैंने मिला रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मिलने के बाद हम एकदम थोड़ा सा फूड कलर भी डाल देंगे इसमें। आपको चाहिए तो डालेंगे, डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमें थोड़ा कलर के लिए डाल दिया है मैंने, पकने के बाद बहुत अच्छा कलर आता है इसकी वजह से मैंने डाल दिया है। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है देखिए। उसके बाद देखिए हम थोड़ा सा सरसों का तेल डाल रहे हैं, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशबू बहुत अच्छा लगेगा सरसों का तेल से। इसके वजह से मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। देखिए पनीर भी मैंने स्क्वायर साइज कट करके डाल दिया, और मैंने कैप्सिकम और ऑनियन को भी स्क्वायर साइज कट करके डाल दिया है। सारी चीज़ों को मैंने मिला दिया है, अच्छे से मिला देना है। देखिए मैं उसके बाद हम रोस्टेड बेसन डाल रहे हैं, और बेसन डालने के बाद हम फ्रिज में ओवरनाइट फ्रिज में रखेंगे इसको, ओवरनाइट रखना है, उसके बाद ही हम यूज़ में ले सकते हैं। उसके बाद देखिए मैंने एक तवा चढ़ा दिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा बटर डाल के रख दिया है। एक एक पहले तो ऑनियन को डालेंगे, उसके बाद हम एक एक पनीर को डालेंगे। एकदम थिक बटर लगना चाहिए हमको, पतला बटर नहीं चाहिए, इसके वजह से मैंने ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था। देखिए मैं एक एक लगा रही हूँ, थोड़ा सा मीडियम गैस पे लगा दिया है मैंने। देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ, ऐसे ही लगाना है। लगाने के बाद आप तवा पे चाहो तो तवा पे फ्राई कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मली गैस के ऊपर आराम से चढ़ा के नॉर्मली तंदूर बना सकते हो। देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, पहले तो ऑनियन और कैप्सिकम को लगाना है, उसके बाद भी लास्ट में जो पनीर लगाने के बाद हम सेम टू सेम कैप्सिकम और ऑनियन को डाल लगा रहे हैं। देखिए मैं लगा दिया है मैंने, देखिए तवा से हो रहा है तो ठीक है। मैंने तो थोड़ा तवा में ही यूज़ करके किया, उसके बाद मैंने ऐसे गैस पे ही कर दिया। देखिए मैं थोड़ा सा मेल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। देखिए धीरे धीरे पकने लगा है, मीडियम आंच पे ही पकाना है, स्पीड नहीं करना है, नहीं तो जल सकता है हमारा तंदूर पनीर टिक्का। देखिए हमारा बन गया है, देखिए उल्टा कर कर के मैंने बनाया है, या फिर ऐसे बना सकते हैं, मैंने तो ज़्यादातर ऐसे ही बनाया है, अच्छे से ट्राई करके बनाया है। देखिए उसके बाद हम एक कोयला के वो अच्छे से जला के उसमें तंदूर डालने के लिए, तंदूर का खुशबू लाने के लिए हम थोड़ा सा घी डाल के रख देंगे। उसके बाद देखिए हमारा बन गया तंदूरी पनीर टिक्का। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।